देखिए बड़ी खबर, शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश, अगर आपका ऐसे कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है तो ध्यान से सुनिएगा। अब सिर्फ 4 घंटे में निपटाने होंगे शादी और कार्यक्रम। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद इजाजत नहीं होगी। 4 घंटे में शादी के कार्यक्रम निपटाइए और घर जाइए। 6 बजे के बाद कार्यक्रम के लिए SDM से इजाजत आपको लेनी होगी, लेकिन 4 घंटे का ही समय रहेगा। शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं सभी बाजार और दुकानें, गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। जिस किसी के भी इस तरह के कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है या कोई और फंक्शन जिसके लिए आप SDM से परमिशन ले रहे हैं, तो याद रखिएगा मैं 4 घंटे में ही आपको यह कार्यक्रम निपटाने होंगे। सिर्फ 4 घंटे मिलेंगे आपको कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद किसी तरह के कार्यक्रम की कोई इजाजत होगी ही नहीं, ये पहले ही क्लियर कर दिया है सरकार ने। 6 बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए SDM से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि 6 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया है सरकार ने। शाम 6 बजे हमने कल भी देखी बाजार और दुकानें बंद हो गई, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ को छांट दिया गया, घरों को भेज दिया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है कि अब शादी और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी को फॉलो करने होंगे। राजकुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शादी और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर जो नई गाइडलाइंस आई हैं, थोड़ा और विस्तार में समझा दीजिए राजकुमार। जी बिल्कुल, जो शादियां हैं पहले नाइट को अगर थी उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब अंबाला में जो नाइट कर्फ्यू है वो 6 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है, और दुकानें जो है वो पूरे 6 बजे बंद करा दी जाएंगी, लेकिन होटल और ढाबे जो है वो 9:30 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ जो है डिलीवरी कर सकेंगे। इसी के साथ जो हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार जो अब शादी ब्याह की है उसको 4 घंटे दिएंगे, 6 से लेकर 10 बजे तक जो शादी गाइडलाइन का पालन करना होगा। 50 से ज्यादा जो है वो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, और जो भी इसमें शामिल होंगे वो जो है मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे और सोशल दूरी को बनाए रखेंगे। अगर किसी ने भी इसकी अनुपालना नहीं की तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।